पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नेहरू युवा केंद्र मुरादाबाद के तत्वावधान में मुरादाबाद जिले के समस्त विकास खंडों से आए 200 युवाओं ने जिला प्रशासन के साथ चतुर्थ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में जिला युवा सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन शंकर भवन IFTM विश्वविद्यालय मुरादाबाद में किया गया, जिसका विषय राष्ट्रीय एकता में युवा शक्ति की भूमिका रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में IFTM विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अशोक कुमार घोष, विशिष्ट अतिथि हेमगिरी कॉलोनी की नगर निगम पार्षद प्रिया सिंह रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला युवा समन्वयक ललित कुमार ने की। कार्यक्रम में बोलते हुए युवाओं ने राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र में व्याप्त कुरीतियों पर अपने विचार रखते हुए जमकर कुठाराघात किए। नेहरू युवा केंद्र में शांति भूषण पांडे ने उपस्थित युवाओं से सांप्रदायिक और देश का माहौल खराब करने वाली अफवाहों पर ध्यान न देते हुए आपसी प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देने की अपील की। मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए डॉक्टर अशोक कुमार घोष ने युवाओं की राष्ट्र निर्माण में भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश को प्रगति के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए युवाओं को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। And it is already known to us, 5th century BC, practically in Vedic scriptures, there is the mention of this yoga. The ancient Muni Rishis, they also practiced this yoga. And this day we have chosen for the young people of our country. The country cannot develop without the coordination of Juba. तो वहीं प्रिया सिंह ने कहा कि युवाओं को राष्ट्रीय एकता को बचाने के लिए प्रयत्न करने होंगे, जिसके लिए उन्हें अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखना होगा। स्वास्थ्य से तात्पर्य केवल शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं, बल्कि उससे भी अधिक मानसिक स्वास्थ्य से है, जिसके लिए युवाओं को अपनी दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करना होगा। इस मौके पर कार्यक्रम में हरीश कुमार, रजनी, रंजीत कुमार, मोहम्मद सलमान, महेंद्र सिंह, रानी, प्रिया कुमारी, निर्देश और चंद्र सिंह सहित NCC 9वीं वाहिनी गर्ल्स के कैडेट और ग्रामीण युवा मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन योग प्रशिक्षक ईशांत कुमार शर्मा ने किया। हमारे विभाग नेहरू युवा केंद्र संगठन के दिशा निर्देश अनुसार प्रत्येक 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पश्चात हम लोग जनपद स्तर पर एक जिला युवा सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें जनपद के विभिन्न विकास खंडों से अलग अलग गाँव से युवाओं को एकत्रित कर और एक समूह के रूप में उसमें NCC, NSS, अन्य संस्थाओं का भी सहयोग और सहभागिता हम निश्चित करते हैं। उसी कड़ी में आज IFTM विश्वविद्यालय के शंकर भवन सभागार में जिला युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर अशोक कुमार घोष और हिमगिरी कॉलोनी मुरादाबाद से निगम पार्षद श्रीमती प्रिया सिंह जी हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, और आवरण अग्रवाल, ईशांत शर्मा, शांति भूषण पांडे जी के द्वारा हमारे उपस्थित युवाओं को आज जो विषय हमने यहाँ पर रखा, राष्ट्रीय एकता में युवाओं की भूमिका के विषय में उनको हम लोगों ने अपने विचारों से अवगत कराया और युवाओं को भी यहाँ पर उनकी बात रखने का मौका दिया, जिसमें बहुत सारे युवाओं ने अपने विचारों से अपने साथियों का अवगत कराया और विचारों के आदान प्रदान से इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।